तो भाई साहब असलियत तो ये है कि भाई फ्रॉड है। हाँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई, मैंने आपके लिए कुछ चीज मंगाई है। तो गाइस काफी लोग बोर हो गए थे कबाड़े से कि यार समर भाई कबाड़ा। तो भाई मैंने सोचा चल भाई आपके लिए आप कुछ नई चीज लेकर आते हैं। तो गाइस काउंटर वहां से यहाँ पहुंच चुका है क्योंकि भाई हमने एक साइकिल का एक्सपेरिमेंट किया है। तो भाई ये मैंने अपने लिए मंगाया है। वैसे गाइस काफी अच्छी चीज लगी मेरे को भाई, इतना सस्ता है देखो भाई, ओनली 152, सिर्फ 152 रुपए का। इससे क्या जुगाड़ है भाई साहब। तो भाई से पहले तो फटाफट खोल के देखते हैं भाई इसमें क्या माल पानी है। चलो खैर मैं दिखाई देता हूँ यार, इतने टेंशन मत लो। लो भाई पता लग गई, नहीं यह COB कोब रिचार्जेबल किचन लाइट। मतलब भाई ये प्रमोशन नहीं है बिल्कुल, आपको लगी हमारा प्रमोशन मारा नहीं भाई, मैंने अपने पैसों मंगाया भाई जो बात है। मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा लेने की, आखिर इसकी वजह है क्या, मैंने क्यों से लिया। थोड़ा सा चीप लग रहा है यार, एक काम करते हैं थोड़ा लाइट सेट कराते हैं। फौजी भाई फटाफट लगाओ जो थोड़ा सा साफ से दिखे ना, लगे हम लौंडे से अभी तुम साथ सुधा लगते हैं, बेसक ना हुई वो बात लगेगा। ये दुख का खत्म नहीं होता भे। तो खैर ज्यादा मन पर लगने वाली बात नहीं कहेंगे। ओ भाई इसमें क्या है, इसमें मैग्नेट है। ओ भाई साहब, अरे भाई ये बढ़िया है। और इसमें भाई न्यूडियम मैग्नेट दे रखी है भाई, 152 रुपए का क्या लोगे यार। ये आई थिंक ऐसे लाइट जलाने के लिए एक छोटा सा स्टैंड दे रखा। अरे इस पे और क्या है, ओए भाई डेटा केबल भी है यार। अरे यार टाइप सी है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कमाल हो गया यार, टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो रही है भाई, क्या करे मतलब यार। ओ भाई तो चला के देखते है कहाँ से चलता है, यहाँ चलता है शायद। अरे भाई साहब, ओ भाई क्या मस्त चीज है यार। मैं एक काम करता हूँ भाई, सारे लाइट बंद करेंगे उसके बाद गाइस मैं देखता हूँ भाई ये कैसी चीज है, मतलब क्या मस्त चीज है। तो भाई ऑन करते हैं, देखो ठीक है भाई, प्रैक्टिस अच्छी है। हाँ मैं बाल कटवाऊंगा ना भैया, तो मैं थोड़ा सा चमकादार जैसा लग रहा हूँ, आई एम सॉरी पापा कबूतर लग रहा हूँ। तो भैया देखो इसमें मोड है भाई, तो ठीक है और एक बार ट्राई करते हैं। देखो भाई ये बढ़िया, ओ भाई ये चल भी तेज रहा, देखो तेज भी चल रहा है पहले से। देख खत्म बंद, तो ब्लोइंग करते हैं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी ये इमरजेंसी लाइट की हमने मंगाई है। अब फटाफट गाइस लाइट शुरू करते हैं। वैसे गाइस कीचेन से ज्यादा लग रहा है ना, मतलब एडवांस लग रहा है, काफी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है। फौज भाई लाए हैं स्प्राइट, सीधी बात नो बकवास। फौज भाई देखना चाबी पड़ी है लटक जो रही है, ये वाली चाबी तो फटाफट इसे पहले साइड में रखते हैं। पहले काम करते हैं भाई, हाँ जैसे हमने भाई से यहाँ लगाया ठीक है। अब देखा गाइस ये किचन बन गया यार, इसकी मुझे एक कमी लगी है इसको भाई, यहाँ से मतलब कोई परमानेंट होना चाहिए था। अब तो भाई इसमें ऐसे लगा दो बस, ये ऐसी पड़ जाएगी, इसे जेब में ऐसे लगा लो। और जेब में वैसे यार ठीक तो लगेगी नहीं शायद, ये जो मैग्नेट है इसे कहाँ चिपकाए। हाँ मोस्टली गाइस हम लोहे पे चिपकाते हैं, तो फौजी भाई ने बताया कि गेट ठीक है भाई। ओ ऐसे नहीं होगी, मतलब अगर आप ऐसे चिपका दोगे ना तो चिपक जाएगी। देखिए इसमें तीन चाबियां ठीक है, और मैं इसका आपको वेट दिखाता हूँ। फौजी भाई वेइंग स्केल दिखाना जरा। ये भाई हमारा धर्म काटा, पहले चाबी का वेट करते हैं। 26 ग्राम या 27 ग्राम ठीक, और इसका वेट देखते हैं 31 ग्राम। तो भाई ये लगभग अपने वेट के हिसाब से ही हाँ ले जाता है। तो तुमने काफी हैवी दी थी फौजी भाई, रुक जाओ 37 ग्राम 38 ग्राम। अब भाई इस पर थोड़ा सा लोड डालते हैं, लाना फौजी भाई जरा ये दिखाएंगे आज। देखे भाई साहब देखो, आराम से 50-60 ग्राम से ऊपर ने वेट संभाल लिया। देखो हमारे पास जगह भी नहीं है इस चाय में रखने की। चलो भाई नहीं हाँ तो भाई साहब ये गाइस पास हो गया है ना चाबी के लिए। और भाई ऐसे निकाला, इसकी जो LED पैनल है ना भाई ये काफी बड़ा है, मोबाइल का जो कैमरा था फ्रंट का उसमें फ्लैश नहीं होती है, तो गाइस ये उसका काम कर देगा। चलो भाई इसका एक काम और भी है जो गाइस एंजॉय करने वाले हैं। आई एम सॉरी गाइस अगर आपको बुरा लगे, क्या करें बता, हरामी हो बेटा। देखिए भाई ये है एल्युमिनियम, क्या नाम रखा यार बोलने में नहीं आता। देखिए खोल के, ओ भाई साहब देखो ये एल्युमिनियम है भाई, ये अच्छा भाई ये हीट होती है। फिलहाल इसे बंद करो और इसके जो ना बोतल खोल के पीने का आनंद लेते हैं। देखो भाई इसमें गैस बन गई भाई, और भाई मुझे पक्का कहने के जल्दी बेकार हो जाएगा ये, कभी कभी के लिए तो चल जाएगा भाई, परफेक्ट तो नहीं कहेंगे ऐसे, लेकिन ये है कि गाइस इमरजेंसी में ये इमरजेंसी गैजेट है भाई, तो इतने में तो भाई इतना ही मिलेगा, लेकिन फिर भी अच्छा काम करो। फौज भाई ग्लास लेकर आओ, ऐसी चीजें बड़ी जल्दी सुनते हैं भाई। देखो भाई पूरा पूरा पैकेट निकाल के लिए आए, दो निकाल लो यार भाई भाई मिलके पियेंगे गाइस। आई एम सॉरी भाई, मैंने कहा ना भाई आप भी पी सकते हो। चल झूठा, देखो भाई मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा, देखो भाई फौज भाई मेरे हाथ में जादू आगा, देखो जरा देखो हाथ नहीं छोड़ रहा, देखो झुकाओ देखो इसका, आपने तब देखो नारा सही से मतलब सही से कपड़ो मतलब ऐसे सही से मतलब, देखो फिर आएगा फैक्ट्री आ रहा ना। देखो तुम भी तो ज्यादा करो, तुम भी तो भाई हो, एक गिलास और निकालो फटाफट। लो भाई करो फटाफट, एक तो यार ये भाई पानी है, देखो ये तो भोज भाई तुम ही लो, देखो भाई बराबर है बिल्कुल स्किल लेकर आपने ना, वो भाई स्किल देना जरा। क्या सोच है रे तेरी, चलो अप्रोक्स मान के चलो 6 सेंटीमीटर का एरिया हमने कवर किया गिलास से। देखो भाई इसमें 5 नहीं 5 नहीं है भाई, चलो इसमें 5 है। चलो भाई कोई बात नहीं,
हाँ बड़े भाई हैं, बड़ा पैक मारेंगे। तो भाई पहले कोल्ड ड्रिंक फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, वरना गाइस आपको पता है जी ललचाएगा आपका और आप डिसलाइक मार दो कि भाई हमें तो दिए ना। बिल्कुल चुप। खैर पी लेते हैं भैया पहले। हाँ तो भाई हमने पी ली है, फिनिश कर दी है, ये इसका चार्जिंग का है। भाई साहब आपको एक राज की बात बताऊं, ये जो 152 रुपए की हमें चीज मिली है ना, इसमें से हम लगभग 200-250 रुपए का सामान निकाल सकते हैं। देखिए इसमें एक सिंपल सी बात है, इसमें एक बैटरी होगी, कितने मिली एम्पीयर के इसके अंदर बैटरी है। वैसे इसके रिव्यू अच्छे हैं। देखिए ये भाई मैंने मीशो से मंगाया, आप जानते हो गाइस कि मैं कोई भी चीज मीशो से कैश ऑन डिलीवरी भी मंगाता हूँ, जब से गाइस मेरे साथ फ्रॉड हुआ। वैसे पैसे मिल गए थे मुझे, ऐसी बात नहीं, लेकिन यार सरदर्दी तो बहुत है भाई। ये मेरे को 152 का मिला है और मैं आपको एक चीज और दिखाऊँ। देखिए 500 ल्यूमेंस की जो है ब्राइटनेस है, मैक्सिमम 3 मोड है। एक बात और देखो, ये लिखा कि अब फ्लैश लाइट कैन अबाउट 1 आवर। देखिए जो 60% पे चलता है ना 2 घंटे चल सकता है, और जो मोड इसका तीसरा है या फर्स्ट कह सकते हो, जो कि 30% मोड पे चलता है, उस पे चलेगा 3.5 घंटे ना बैकअप दे रखा है ऐसा। मेरे को तो भाई दूर तक नहीं लगता। चलो गाइस थोड़े से रिव्यू पढ़ते हैं इसके। अरे भाई मिल गया ये रहा भाई, 500 मिली एम्पीयर की बैटरी है इसके अंदर, जो कि 2 घंटे में फुली चार्ज जाती है। इसका जो बैकअप देखिए, बैकअप के तो भाई कोई पता नहीं लग रही कि बैकअप है ना है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो घंटों लग जाएंगे, क्या पता भाई किसने यहाँ पर मेंशन कर रखा हो। लेकिन नहीं, सामान चेक करके भेजना होता है तो दिक्कत नहीं होती, ये बात भी तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन वो बात अलग है तुमने कही किस तरीके से। भाई मुझे लगता है ये सब पेड़ है। हाँ ये ठीक है, लेकिन यार ठीक लगी भाई, इतने सारे रिव्यू हैं भाई। और क्या लो 152 में 500 मिली एम्पीयर की बैटरी मिल रही है भाई। अब वो मुझे नहीं पता कि ये पूरी 500 मिली एम्पीयर की ही है जो उन्होंने दी है ना। अगर 500 मिली एम्पीयर का हम बैटरी चेक करते हैं ना अमेज़न भाई साहब, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखो 500 मिली एम्पीयर भाई साहब देख रहे हो, देखो 299, 349, 396 स्टार रेटिंग अच्छी भी नहीं है यहाँ पे देख सकते हो। 300 पैसे का कोई भी नीचे नहीं है। अगर आप ओनली बैटरी लेते हो वो बात लगेगा इसके, आप डेली जाओगे लाला राजपत मार्केट से लाओगे भाई साहब कितने की, सिर्फ 80 रुपए की। लेकिन भाई डेली कौन जाएगा, जो भाई डेली वाले लोग हैं उनके तो कोई दिक्कत वाली बात है ना, तो सीधे चले जाएंगे। लेकिन भाई दूर रहते हैं, जैसे हम दूर रहते हैं तो हमारे घर से भी कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है डेली, तो भाई पेट्रोल खर्च करके हम जाएंगे तो 1000-2000 का तो गाइस पेट्रोल खर्च हो जाता है। अब भाई इसे पहले चार्ज करके देखेंगे, उसके बाद भाई साहब इसका ऑपरेशन करेंगे किसके अंदर शस्त्र के अंदर क्या क्या चीज है। और गाइस कैसे मैं कह रहा हूँ कि 200-300 रुपए का माल दवाई इसमें से आराम से ऐसे निकल जाएगा 152 रुपए वाली चीज में। तो पहले भाई इसे लगाते हैं यार, वैसे चलो इसे ले लेते हैं केबल को, केबल मस्त चीज मिली है जो बात है यार, रखते हैं ये चालू है। ओह माय गॉड उल्टा लगा दिया, कहाँ है इसकी लाइट, इसकी लाइट चलती ही नहीं चलती है, लाइट कैसे नहीं चल रही इसकी, क्या खराब दे दिया। ये तो ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, डेटा केबल चेंज करके देखते हैं हम एक बार, इतने सारे डेटा केबल लग रही है। ओह माय गॉड लगता है ये खराब है, ये चल रहा है और ये चार्ज नहीं हो रहा, सारा का सारा मूड खराब कर दिया। ओहो भाई अबे यार फौज भाई बता ना सके है, अबे मुझे क्या पता, ये और अंदर लगेगा भाई, कहाँ गए इसके, देखो ये और बिल्कुल अंदर घुसेगा तब चलेगा, तैयार ये स्विच चल जाता तब जाता, चार्ज करते वक्त ये स्विच दब जाता बार बार। देखो भाई बिल्कुल इसे अंदर करना पड़ा, बिल्कुल जब जाएगा इसी चलेगा इसका जो एलईडी ना चार्ज इंडिकेटर। चलो गाइस यानी भाई ये ठीक है, हम क्या करते भाई इसका ऑपरेशन करते हैं, वरना भाई साहब सारा मूड खराब हो जाता भाई साहब, मतलब इसे कैसे चेक करें। भाई और बहनों आप लोग बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ कुछ नहीं होगा। अब ये खुलेगा कैसे, ये आई थिंक चिपका हुआ होगा। चलो भाई करते हैं इसका ऑपरेशन, और ये टूटा ओ दिल टूटा। अरे ससुर के नाती इसमें एक स्क्रू दे रखा था बीच में, ये स्क्रू ही है, अभी पता लग जाएगी, लग तो रहा मेरे को नहीं स्क्रू नहीं है भाई, ऐसे चिपक रहा है। तो भाई साहब असलियत तो ये है कि भाई फ्रॉड है, मैं भाई ये नहीं कहूंगा कि मीशो ने फ्रॉड कर दिया, क्योंकि गाइस ये बात तो मैं कह चुका हूँ भाई साहब, दोबारा थोड़ी होगा मेरे साथ ऐसा। भाई साहब बैटरी, ये बैटरी आपको लग रही है 500 mAh की बैटरी, फौजी भाई निकाल लेते हमारी बैटरी। चलिए मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, देखिए गाइस एक तो आपको चार्ज मॉड्यूल मिलेगा टाइप सी वाला। देखो भाई अगर मैं आपको टाइप सी वाला मॉडल दिखाऊं ना, देखिए मेरे पास अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग साइज में है। देखिए ये जो रो मुझे निकालना पड़ गया था, देखिए भाई साहब इसकी जो वैल्यू 140 रुपए इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, आई थिंक 120-130 रुपए का इसी एक आता है, छोटा वाला का थोड़ा सा कॉस्टली आता है। भाई साहब ये 120-130 रुपए का भाई ये ओनली मॉड्यूल है। तो भाई साहब ये 120-130 रुपए का आपको खाली मॉड्यूल मिल रहा है चार्ज करने के लिए बैटरी को इसके अंदर, वो भी गाइस बिल्कुल फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री कैसे, क्योंकि भाई इतनी तो बैटरी और बैटरी छोड़ो लाइट भी तो है, वो तो भाई है भाई मेड इन चाइना भाई, इसने तो सारा मामला खराब कर रखा है। ये है 600 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी, और भाई ये हकीकत में है इतने की, देखिए लिखा 600 मिली एम्पीयर, ये तो कुछ भी नहीं है छोड़ो। ये है भाई से देखो 380 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा, भैया बच्चे हो तो आंखें बंद कर ले भाई, ये बैटरी यही है, इसके थोड़ा सा कवर
हटा दिया, बस थोड़ा सा फूल गए ना तो थोड़ी गर्मी ज्यादा रही थी ना, कपड़े उतार दिए अपने। सर नाम की कोई चीज नहीं इस बैटरी को। बड़ा बदतमीज लड़का। देखो भाई ये है 70 mAh की, 80 mAh की बैटरी, ये 70 से 80 mAh और की बैटरी, और भाई ये 500 mAh की बता रहे हैं। चूतिया बनाया तुमको। चलो आपको नहीं दिखाई देगा, देखो भाई देखो 600, चलो छोड़ो, देखो भाई 380 mAh। तो भाई ये बेवकूफ बना जा रहा है, अगर इसका हम बैकअप चेक करें ना। अच्छा गाइस एक काम करते हैं, हम इसका बैकअप चेक कर लेते हैं। उसके लिए कैसे मैं करने का पड़ेगा, पहला मैं इसको फुल रिचार्ज करना पड़ेगा, फुल रिचार्ज करने के बाद इसे फुल डाउन करना पड़ेगा। अब मैं इसे वापस तो नहीं करूंगा, सिंपल से बैठेगा, मैंने खोल दिया है और वापस करने का जो मेरा बनता भी नहीं है भाई। मुझे पक्का कि ना ये जो बैटरी है ये जल्दी रिचार्ज हो जाएगी गाइस। वो बात अलग है, जो मॉड्यूल है ना ये स्लो चार्ज करता है बैटरी को, वो टॉपिक अलग है। लेकिन भाई चलो इसी से चार्ज करेंगे। भाई इन्होंने मेंशन कर रखा है साइड पर, एक बार फिर हम देख लेते हैं। देखो भाई 2 से 3 सेकंड टू ब्राइटनेस। एक चीज और यार रुक जाओ, देखते हैं जैसे जैसे हम दबाए रखे। ओ भाई ये भाई तेज वाली है, ये फीचर गाइस मुझे ही पता लगा है यहाँ पर पढ़कर। अगर आप ये दबाए रखोगे ना ये भाई बहुत तेज जलती है, मतलब फुल पर जलती है। ये बंद नहीं हो रही, ऐसे बंद होगी, आई थिंक ऐसे बंद हो जाएगी। अच्छा देखिए एक फीचर और पता लगाया, एक बार दबाया ठीक, दूसरी बार दबाया कम हो गई ठीक है, तीसरी बार दबाया तो ब्लिंक कर रही है ठीक है। देखिए ऐसे अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे दबाए रखता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। देखो ये फुल पर चलेगी, देखो भाई साहब ये है फुल पर, अरे एक बार में बंद हो जाएगी। तो ये मोड मुझे ये पता लगा है। तो आई थिंक इस पर लिखा 1 घंटे फुल पे और 60% में चलता गाइस, 2 घंटे और भैया 3.5 घंटे चलता है 30% पे। भाई आपको लग रहा है तो बजाय चलो क्या होगा नहीं होगा गाइस, तो टेस्टिंग के बाद पता लगेगी। भाई आधे घंटे में चल पाएगी मेरे हिसाब से, लाइट से चार्ज करते हैं बिल्कुल भाई साहब अंदर कुछ झंडा पड़ता है पूरा। चलो इसे भाई अब चार्ज होने देते हैं, जब मिलते गए जब ये फुल रिचार्ज हो जाएगी, या तो ये एलईडी बंद हो जाएगी या आई थिंक इसमें, हाँ इसमें दूसरी कलर की एलईडी है। तो गाइस मैं आपको दिखा दूं, देखो दूसरे कलर की एलईडी आई थिंक ये चल जाएगी, जैसे भी होगा पता लगी जाएगी। एक बात और गाइस आपको टाइम बता दूं, 4:14 हो रही है, तो पहले गाइस हम इसे फुल रिचार्ज कर लेते हैं, मिलते हैं गाइस फुल रिचार्ज होने के बाद। तो गाइस फाइनली ये फुल चार्ज हो गया है और भाई टाइम रहा 4:58, लगभग 1.5 घंटा इसे लगा चार्ज होने में। तो गाइस आपने देखा भाई अभी फुल चार्ज हो चुकी है बिल्कुल ठीक है। भाई अब आते हैं इसकी टेस्टिंग की बारी। भाई इस पे लिखा अगर आप इसे फुल पे चलाओगे तो ये लगभग 1 घंटा चलेगी, 60% 2 घंटे और भाई अगर आप 30% पे चलाओगे 3.5 घंटे। तो गाइस इतना टाइम तो हम नहीं लेंगे भाई, हम 1 घंटे वाला मोड चला के देखेंगे यानी कि फुल पर। तो भाई आपके सामने बिल्कुल लाइव होगा जो भी होगा। तो भाई साहब ये रहा सेटअप और मैंने दो कैमरे सेट किए हैं, एक कैमरा ये रहा ठीक है, मैं आपको हिला के दिखा रहा हूँ शायद दिख जाए, शायद दिख जाए, और भाई एक कैमरा ये रहा ठीक है। तो गाइस इसे फटाफट पुश रखेंगे है ना स्टॉप वॉच, और मैं इसे दबाता हूँ। ये 6 वाट के लिए आपको पहले बता दूँ ठीक है, अभी 6 वाट पर चल रही है देखिए फुल, और भाई मैं टाइम चालू कर रहा हूँ ठीक है। तो भाई थोड़ी फास्ट स्पीड कर देंगे जिससे गाइस सबका टाइम बचे। देखिए भाई 29:47 हो चुके हैं और भाई से देखिए ये भाई अगर मैं आपको दिखाऊं देखिए देख रहे गाइस भाई इसकी एलईडी चमक रही बिल्कुल साफ, मैं गाइस आपको देख सकता हूं लेकिन भाई आप मोबाइल पर शायद नहीं देख सकते, नॉर्मल कर देते हैं। तो भाई ये गई देखिए भाई ये बहुत कम एलईडी चल रही है, शायद गाइस आपको ना दिखे लेकिन भाई देखिए मैं लाइट बंद करता हूं। देखा भाई ब्राइटनेस गई, तो भाई इसकी जो पहले ब्राइटनेस थी वो बिल्कुल गई। तो गाइस देख सकते हो आधा घंटा, जब गाइस ये 1 घंटा बोल रखा है तो भाई अपना हमने 200 में लगा रखा, इसे बंद करते हैं। चलो भाई और इसे बंद करते हैं, 31 मिनट मेरा बंद करा है और एक बार लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। देखो भाई शायद गाइस जब आपको दिख जाए देखिए ये फुल पर है, कितनी लाइट कम होगी। अब मैं आपको गाइस चार्जिंग करके दिखाता हूँ उसकी लाइट कितनी तेज है, पहले लाइट ऑन कर लेंगे। जी रहा भाई चार्जर से लगाते हैं भाई, अब देखना जो कितनी लाइट है वो इसमें लगाता हूँ। देखो भाई साहब बढ़ गई, देखो गाइस ये और तेज होगी, ये थोड़ी देर चार्ज में लगा के तेज होगी। हाँ एक बार लाइट कम करके भी चेक कर लेते हैं ठीक है। तो भाई अब चार्ज में लगाएंगे इसे, देखो भाई साहब ये है ब्राइटनेस, देखो बढ़ गई। हाँ तो गाइस लाइट चलाते हैं भाई फटाफट, और भाई पसीन आ गया, पंखा भी नहीं चला रखा मैंने, सब चीज बंद है। और गाइस इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत टाइम लग गया। तो भाई सिंपल सी बात है 1 घंटा तो कंटिन्यू नहीं चलेगी, तो अगर 10-15 मिनट और है भाई ये बोल जाएगी, क्योंकि गाइस ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये आपको देखने से लग रही होगी मोबाइल में, लेकिन गाइस जैसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ ये गाइस गई। तो गाइस अगर ऐसे में देखा जाए तो भाई बहुत अच्छा काम कर रही है। 152 रुपए गाइस क्या लोगे हो, 300 रुपए की आपकी बैटरी, चलो 300 रुपए की मान लो, और भाई अप्रोक्स 150 रुपए का घर पर आके डिलीवरी चार्ज भी लगता है भाई, क्योंकि गाइस आप जानते हो 500 रुपए से ऊपर होगा तभी गाइस आपका फ्री होगा जो कि
शिपिंग चार्ज है, लेकिन 120-130 कमाओगे तो भाई ये बंद में नहीं हो रहा है। अरे सुधर बंद हो जा, बंद हो गया। तो गाइस कितने का पड़ा टोटल देखिए, 152 रुपए गाइस हमें मिला है। भाई सपोज कीजिए 20-30 रुपए के इसके एयर डिमांड का चले जो 6 वाट की इसके अंदर लग रही है, और भाई इसमें हीट सिंक भी लग रही है 5-10 रुपए का इसकी हीट सिंक मानिए, कितने का हो गया 30 रुपए, 150 रुपए अप्रोक्स का ये चार्जिंग मॉड्यूल मान लीजिए टाइप सी वाला है, तो कितना होगा 30 रुपए और 150 रुपए 180 रुपए, ठीक है। और भाई 200 रुपए अप्रोक्स बैटरी 380 रुपए, और भाई इसकी बॉडी मान लीजिए 20 रुपए की, और गाइस 10 रुपए की मैग्नेट भी है, यूनिटो मैग्नेट है, 10 रुपए का एक पीस आता है, अगर मैं दिल्ली से लेकर आता हूँ तब वैसे गाइस ऑनलाइन काफी कॉस्टली है। भाई मोटा मोटा मान लेते हैं, अगर भाई हम इसे बनाएंगे ना या अलग से हम पार्ट लेकर आएंगे अमेज़न से मंगाते हैं और हम इसको लाइट बनाते हैं, तो भाई लगभग 450-450 गैस हमारी बैटरी, अगर मैं 300 की बैटरी मानूं तो भाई 500 रुपए की बैटरी, 15-20 मिनट बहुत बड़ा कंटिन्यू चली, उसके बाद गाइस डाउन होती है, सिंपल सी बात भाई डाउन होगी बैटरी, ठीक है। जैसे गाइस वोल्टेज डाउन होते चलेंगे बैटरी डाउन हो जाएगी, कम होती चलेगी, एक टाइम पाके बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ज्यादा लंबा व्लॉग नहीं करते, आयो फ्रेंड्स ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, मस्त चीज है मंगाइए और काफी चीप रेट में, अगर गाइस आपको ये नहीं मंगानी, आपको मॉड्यूल चाहिए बैटरी चाहिए तब भी भाई साहब से मंगाइए, 152 रुपए का इससे सस्ता भी है भाई, कहीं पे 140-135 का भी है, लेकिन शिपिंग चार्ज लगता है, इसलिए हो गया। एक बात और, कंपनी को भाई मार्जिन भी निकालना है, मतलब कि इससे प्रॉफिट भी निकालना है, मीशो को कमीशन भी जाना है, उसके बाद गाइस 152 रुपए की है। तो गाइस आप खुद ही जान सकते हो कि भाई ये कितनी चीप क्वालिटी का पार्ट होंगे, अगर आप 30% पर चलाओगे तो भाई आराम से 1.5-2 घंटे चल जाएगी। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करें इस वीडियो को, और गाइस मजा आ गया बनाने में, और मेरी मेहनत पर गाइस 1 लाइक, थैंक यू सो मच, बहुत मेहनत लगी, बाय बाय।